हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको पालक के पकौड़े बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, देखिए। ये पालक है, मैंने धो के काट लिया है महीन महीन। बेसन और ये प्याज है लंबे लंबे कटे हुए। हरी धनिया, अदरक, मिर्च और ये आलू है। आलू को मैंने लच्छों में कद्दूकस कर लिया है और पानी में डाल के रखा था कि ये काले ना पड़े। अब मैंने इसको छान लिया है। और ये नमक और धनिया पाउडर है, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा और अजवाइन। तो हम सबसे पहले पालक को बड़े बाउल में ले लेंगे और उसमें प्याज डाल लेंगे जितना आपको ज़रूरत है। तो मैंने ये सारा प्याज इसमें डाल दिया। और एक आलू था, इसको जो मैंने कद्दूकस किया था, ये एक आलू। और ये सारे मसाले डाल लेंगे, जीरा, अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सारे सामान और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ। हरी मिर्च डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वैसे लाल मिर्च तो डाला ही है। और थोड़ा सा धनिया भी डाल लीजिए और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा नमक डाल लीजिए अपने स्वाद अनुसार, एक चम्मच डाला मैंने। और अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन एकदम से नहीं डालना है, जैसे और पकौड़े में पड़ता है। ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसमें पालक, आलू, सब चीज़ों में जो अपना मॉइस्चर होता है वो उसी से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, जितना भी बेसन की इसमें ज़रूरत पड़ी ना हम डालते रहेंगे। पानी इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, वरना पानी की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे हम, ये मैंने एक कटोरी करीब बेसन डाल लिया है, छोटी एक कटोरी बेसन है। बेसन भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और गैस पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। आप रिफाइंड या फिर मस्टर्ड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक तेल गरम हो रहा है, फिर हम पकौड़ी बनाते हैं। तो देखिए तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। तो हाथ से उठा के ऐसे थोड़ा थोड़ा और ऐसे डालते जाएंगे। इसको भी हटा देंगे। छोटे छोटे डालना है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। इसमें मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। सोडा से तेल बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है पकौड़ी, तो मैंने सोडा नहीं डाला इसमें। और आलू से पकौड़ी क्रिस्पी बनेगी। तो पालक की पकौड़ी में आलू डालिए तो उससे बहुत अच्छी, टेस्टी और कुरकुरी पकौड़ी बनती है। अब हम एक तरफ इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे, फिर उसके बाद पलटेंगे। फ्लेम को हाई रखना है। अब ये देखिए एक तरफ से थोड़े से हो गए हैं, तो हम इनको पलट लेंगे। इसको हम ऐसे उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो गए अच्छे। अब हम इनको निकाल लेंगे और फिर हम इसको दूसरा फिर निकालेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके ऐसे निकालेंगे कि तेल कढ़ाई में रह जाए। बाकी बचा हम फिर से डाल देंगे छोटा छोटा। ये फिर पालक की पकौड़ी बनकर तैयार है। आप इसको हरी धनिया की चटनी या सॉस के साथ में सर्व कीजिए और गर्मा गर्म चाय। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।